अरे मैं क्या बताऊं यार, मेरी बात ही नहीं सुनता है कुछ। मैंने प्रसाद मासी आप प्लीज प्लीज माँ को समझाइए ना कि आज के डैड का कोटा खत्म होता है। मासी आप हमेशा मेरे दिल की बात समझ जाती है, जैसे आप ही मेरी माँ है। ये तुम्हारा छोटा बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरी जिम्मेदारी इस पर नहीं है। प्यारा है मेरा राजवीर, बहुत समझता, बहुत ही सुलझा हुआ, और दुनिया का सारा प्यार मुझ पर लौटाता है। पता कभी मुझे कोई परेशानी कोई दिक्कत कभी नहीं आने देता, इतना प्यार करता है मुझसे, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी में कभी कोई उलझन ही नहीं आने देता है। सृष्टि ने राजवीर को इतनी अच्छी परवरिश दी कि उसमें इतने अच्छे संस्कार हैं। उसके चेहरे का जो तेज है ना, वो उसके संस्कारों की वजह से ही है। कैसी जिंदगी है मेरी, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि जितना प्यार राजवीर मुझसे करता है, पता नहीं मैं तो उसे इतना प्यार दे भी पाई कि नहीं, पता नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में बहुत सी बातें जो मुझे याद भी नहीं है, जैसे मैं कोई अधूरी जिंदगी जी रही हूँ, जैसे इस जिंदगी का कोई हिस्सा है जो मुझे पता भी नहीं। तुमसे क्या कहूं प्रीता, हो सकता है कि जो तुम्हें लग रहा हो ठीक हो, तुम्हें सच में ना पता हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसे एहसास हों जो तुम्हें सच में याद ना हो, लेकिन उन लोगों को याद हो जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे। तुम भूल गई हो, लेकिन वो जो तुम्हारे साथ थे वो ना भूले हो। तुमने अपने आप को उन लोगों से काट लिया हो, अपने से दूर कर लिया हो, लेकिन हो सकता है कि वो लोग आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। कभी ना कभी तो तुम लौट कर आओगे, हो सकता